कहते हैं फिल्मी दुनिया दूर से जितनी चकाचौंध से भरी दिखती है, नजदीक जाने पर उतनी ही पेचीदा होती चली जाती है। कई लोग यहाँ नाम शोहरत स्टारडम तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हीं स्टार्स का नाकामी से सामना होती है तो उसे बर्दाश्त करना काफी मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ हुआ 80 के दशक के मशहूर एक्टर राज किरण के साथ। कई लोग उन्हें नाम से नहीं पहचानते, लेकिन तस्वीर देखने पर मालूम पड़ता है कि इस शख्स को किसी न किसी फिल्म में तो जरूर देखा है। 1975 के फिल्म कागज की नौ से फिल्मों में आए राज किरण अपने हुनर का ऐसा जादू दिखाया कि 1980 में उनकी एक साथ 8 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से ज्यादातर हिट रही। कर्ज, अर्थ, घर एक मंदिर जैसी करीब 100 फिल्मों में नजर आए राज किरण को हिंदी सिनेमा का हैंडसम और नर्म स्वभाव के एक्टर के रूप में जाना जाता था, लेकिन निजी जिंदगी अपने आप में एक मुकम्मल थ्रिलर फिल्मों की तरह रही, जिसमें क्लाइमेक्स का इंतजार आज भी है। अचानक इंडस्ट्री से गायब किरण राज के कभी अटलांटिका के पागलखाने में होने की खबर तो कभी अमेरिका में टैक्सी चलाने की, लेकिन असल में वो कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा है या भी नहीं, ये बात कोई नहीं जानता। ऋषि कपूर और दीप्ति नवल जैसी उनके कुछ दोस्तों ने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें इस मामले से दूर रहने की सलाह दे दी। 19 जून 1949 को राज किरण मेहतानी का जन्म मुंबई में हुआ था। सिंधी परिवार में जन्मे राज किरण के दो भाई गोविंद मेहतानी और अजीत मेहतानी है। उन्हें बचपन से ही फिल्मों में आने का शौक था। कॉलेज के दिनों में राज किरण को 26 साल की उम्र में B.R. इशारा की फिल्म कागज की नौ मिल गई। इस फिल्म में उनकी हीरोइन सारिका कमल हसन की एक्स वाइफ और श्रुति हसन की माँ थी। सारिका की भी ये डेब्यू फिल्म थी। उस जमाने की पॉपुलर मैगजीन संडे को दिए एक इंटरव्यू में राज किरण ने बताया था कि B.R. इशारा करीब एक हफ्ते तक उनके साइलेंट सीन के शूट करते रहे। वो चाहते थे कि राज किरण कैमरा फ्रेंडली होने के बाद ही डायलॉग बोले। 1975 में रिलीज हुई राज किरण की पहली फिल्म कागज की नौ में जब वो पहली बार स्क्रीन पर नजर आए तो समंदर के किनारे उन्हें रेत पर बने सवालों के निशान के बीच बैठा देखा गया। वहीं उनका पहला डायलॉग था, सवाल एक ही है, बस बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा। किसे पता था कि उनकी पहली स्क्रीन अपीयरेंस में दिखाए गए सवालों के निशान और उनका पहला डायलॉग ताउम्र उनके साथ बांधा रहेगा। पहली फिल्म से ही राज किरण का चेहरा दर्शकों के जहन में बैठ गया था। पहली फिल्म कागज की नौ की बदौलत उन्हें अगली फिल्म किस्सा कुर्सी का 1977 में सोशल पॉलिटिकल सटायर पर बनी फिल्म काफी विवादों में रही। फिल्म में कांग्रेस नेताओं इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी का जमकर मजाक बनाया गया था, जिसमें सत्ता में चल रही कांग्रेस पार्टी ने फिल्म पर बैन लगा दिया था। देश में इमरजेंसी लगाने के बाद फिल्म की सारी प्रिंट और मास्टर प्रिंट को सेंसर बोर्ड के दफ्तर में जब्त कर लिया गया था। कुछ समय बाद फिल्म की प्रिंट चोरी कर ली गई, जिसे गुरुग्राम के स्थित मारुति फैक्ट्री में जाकर जला दिया गया। फिल्म रील जलाए जाने पर जब फिल्म मेकर कोर्ट पहुंचे तो जांच में फिल्म के रील जलाए जाने के लिए संजय गांधी और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर B.C. शुक्ला को दोषी पाया गया। 11 महीने तक चल रहे केस के बाद 27 फरवरी 1979 को संजय गांधी और B.C. शुक्ला को 2 साल 1 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में इस फैसला को पलट दिया गया। आगे राज किरण फिल्म शिक्षा में नजर आए। साल 1980 राज किरण के करियर के लिए सुनहरा दौर लेकर आया। इस साल उनकी एक दो नहीं बल्कि 8 फिल्में रिलीज हुई। मुंबई का महाराजा, मान अभिमान मनोकामना, नजराना प्यार का पतिता, साजन मेरे, मैं सजना की और ये कैसा इंसाफ, ये सारी फिल्में 1980 में रिलीज हुई और ज्यादातर हिट रही। इसी साल राज किरण ऋषि कपूर, टीना मुनीब और सिमी गरेवाल के साथ फिल्म कर्ज में नजर आए। कर्ज में ऋषि कपूर मोंटी के रोल में नजर आए थे। मोंटी राज किरण का पुनर्जन्म था। कर्ज के रोल से राज किरण को देश भर में पहचान मिली। आज भी कई लोग राज किरण को फिल्म कर्ज के लिए जानते हैं। साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म अर्थ, महेश भट्ट और परवीन बॉबी के अफेयर पर बनी फिल्म में राज किरण समिता पाटिल, सवाना आजमी और कुलभूषण खरबंदा जैसे दिग्गज कलाकारों एक साथ नजर आए थे। इस फिल्म के गाने झुकी झुकी नजरें, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो आज भी सदाबहार है। ये फिल्म 2 करोड़ की कमाई करके सुपरहिट साबित हुई। वही प्रकाश झा की डेब्यू फिल्म हिप हिप हुर्रे में फुटबॉल कोच की भूमिका निभाकर और दीप्ति नवल के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाकर राज किरण ने फिर से एक बार अपने हुनर का नमूना पेश किया था। शुरुआत में ये फिल्म अनिल कपूर को दी जाने वाली थी, लेकिन एन मौके पर उन्होंने फिल्म ठुकरा दी, जिसके बाद फिल्म में किरण राज को लिया गया। राज किरण इकलौते एक्टर थे जिन्होंने सुपरहिट फिल्मों में लीड रोल के साथ साथ सपोर्टिंग रोल भी करना शुरू किया। फिल्म स्टार, जादूगर, घर एक मंदिर, घर हो तो ऐसा जैसी फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया। 80 के दशक के मिड में राज किरण को लीड रोल मिलने लगभग बंद हो गए। उन्हें ज्यादातर फिल्मों में सिर्फ साइड रोल में
दिखे जाने लगे। उस समय संडे मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में राजकिरण ने कहा था कि या तो मैं फिल्मों में कुछ बेहतर करूंगा या तो छोड़ दूंगा। इसी समय उन्होंने फिल्मों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समय के साथ साइड रोल करते हुए राजकिरण की पहचान मिटने लगी, जिन्हें पहले फिल्मों के हैंडसम और कोमल स्वभाव वाले हीरो के रोल मिलते थे। उसके पास 80 के दशक के बाद हीरो के भाई, दोस्त या विलन के रोल ही बच गए थे। फिल्मों में मिल रही नाकामी से राजकिरण लगातार चिंतित रहने लगे। उन्हें हीरो से साइड हीरो बनना खलने लगा था, जिससे वो मानसिक तनाव में रहने लगे। 90 के दशक के आखिर में अखबार में छपी एक खबर ने हर किसी को चौंका दिया। खबर थी कि राजकिरण ने बंगलोर के व्हाइट फील्ड के एक आश्रम में चोरी छुपे घुसने की कोशिश की थी, जिसके चलते उन्हें बंगलोर के सेंट्रल जेल में 1 महीने तक बंद रखा गया। आखिरकार 1 महीने बाद जब उनके पिता को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने जाकर राजकिरण को बेल दिलवाई। जेल से निकाले जाने के बाद खबर मिली थी कि कुछ महीने पहले ही उनकी पत्नी रूपा उन्हें छोड़ दिया था। इस सदमे से वो मुंबई छोड़कर बंगलोर के आश्रम में रहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने गैरकानूनी तरीके से दीवार फांदकर आश्रम में घुसने की कोशिश की तो वो पकड़े गए। इसी आश्रम के गार्ड्स ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया था। साल 1997 में राजकिरण ने सिनी ब्लिटीज मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू की मदद से गुहार लगाई। उस इंटरव्यू का टाइटल था कि मुझे जिंदा रहने के लिए मदद की जरूरत है। इंटरव्यू में उन्होंने आश्रम में घुसने की कोशिश करने और जेल जाने की भी सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ आश्रम में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। ये केस अब कोर्ट में है तो मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। आप वो ट्रॉमा महसूस नहीं कर सकते जो मैंने जेल में रहकर बर्दाश्त किया। कोई भी ये डर महसूस नहीं कर सकता जब आपसे कहा जाए कि आपको बेल नहीं मिलेगी। मैंने वहाँ 34 दिन बिताए हैं। मुझे पता नहीं था कि मैं इससे छुटकारा पा सकूंगा या नहीं। ये बहुत डरावनी फीलिंग थी। जब राजकिरण को फिल्मों और टीवी शोज में काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया तो उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो राजकिरण काम के तलाश में अमेरिका में जाकर बस गए। कुछ साल उन्होंने वहीं गुजारे, लेकिन कोर्ट में चल रहे केस के चलते उन्हें वहाँ की नौकरी से निकाल दिया गया। जब अमेरिका में गुजारा करना मुश्किल हुआ तो राजकिरण दोबारा भारत लौटे। सनी ब्लिटीज को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में मामूली काम करते हुए बेहद खुश थे। 1997 को दिए इस इंटरव्यू के बाद राजकिरण पूरी तरह से गुमनामी में रहने लगे। फिल्म इंडस्ट्री के किसी शख्स ने न तो उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और न ही उनकी खबर ली। जब कई दिनों तक राजकिरण की कोई खबर नहीं मिली तो उनके कुछ दोस्तों ने पूछताछ शुरू कर दी। इन लोगों में उनके को स्टार ऋषि कपूर और दीप्ति नवल शामिल थे। कई दिनों तक तलाश के बाद कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि राजकिरण अब जिंदा नहीं है, लेकिन उन्हें तलाश करने वालों ने कभी हार नहीं माना। कुछ सालों बाद जब राजकिरण पूरी तरह से गुमनाम हो गए तो उनकी हिप ही फूल गए। प्रेम जाल और घर हो तो ऐसी जैसी फिल्मों के को स्टार दीप्ति नवल ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए उनकी तलाश शुरू की। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि मैं अपने फिल्म वर्ल्ड के एक दोस्त का तलाश कर रही हूँ। उसका नाम राजकिरण है। हमारे पास उसकी कोई खबर नहीं है। आखिरी बार सुना था कि वे न्यूयॉर्क में कैब चला रहे हैं। किसी के पास अगर उससे जुड़ी खबर है तो प्लीज इल्तिजा कीजिएगा। इस पोस्ट के बावजूद भी राजकिरण को किसी की कोई खबर नहीं मिली। साल 2011 में ऋषि कपूर न्यूयॉर्क गए हुए थे। दीप्ति नवल की पोस्ट से उन्हें लगा कि न्यूयॉर्क में वो जरूर राजकिरण से मिलेगा, लेकिन जब ऋषि कपूर ने न्यूयॉर्क पहुंचकर उनके भाई से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि राजकिरण अटलांटा के पागल खाने में है। ऋषि कपूर को तसल्ली नहीं मिली तो उन्होंने राजकिरण से बात करवाने को कहा, लेकिन उनके भाइयों ने नंबर देने से और बात करवाने से इनकार कर दिया। ऋषि कपूर ने न्यूयॉर्क से लौटने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, जब गोविंद राजकिरण के बड़े भाई ने मुझे बताया कि वे जिंदा है तो मुझे जानकर सुकून मिला, लेकिन उन्होंने बताया कि वे मानसिक बीमारी के चलते अटलांटा में काम करते हुए अपने इलाज का खर्च निकालते हैं। तो ये एक कामयाब एक्टर के लिए सुनकर बुरा लगा, लेकिन ये सुनकर खुश हूँ कि वो जिंदा है। ऋषि कपूर के बयान सामने आने के बाद राजकिरण की बेटी ऋषिका ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर उनके दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि राजकिरण अटलांटा में नहीं है, वो कहाँ है और किस हाल में है ये पता लगाने की कोशिश जारी है। उनका परिवार आज भी प्राइवेट डिटेक्टिव न्यूयॉर्क पुलिस की मदद से राजकिरण की तलाश कर रहे हैं। साल 2011 में जब दीप्ति नवल और ऋषि कपूर ने राजकिरण की तलाश शुरू की तो हर जगह उनकी चर्चा फिर से शुरू होने लगी। इसी बीच एक दिन अचानक से ऋषि कपूर के पास राजकिरण के भाई का कॉल आया। उस कॉल में ऋषि कपूर को राजकिरण और उनके पारिवारिक मामले से दूर रहने की हिदायत दी गई। परिवार के
इस रवैये और अपने रेपुटेशन के खातिर ऋषि कपूर और दीप्ति नवल ने ना चाहते हुए भी राजकिरण की तलाश बंद कर दी। 1997 से अब तक 27 साल बीत चुके हैं, लेकिन राजकिरण कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा है या नहीं, इस बात की खबर किसी को नहीं है। उनके इंतजार के सालों बाद उनकी पत्नी रूपा महतानी ने दूसरी शादी कर ली। वहीं उनकी बेटी ऋषिका एक ज्वेलरी डिजाइनर है, जिनकी 2016 में शादी हो चुकी है।